हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था स्प्रेडशीट क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। आज हम करेंगे कि जो एमएस एक्सेल है उसमें कौन कौन सा फंक्शंस अवेलेबल हैं। फंक्शन क्या होता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली कि हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इक्वल टू के बाद हम प्लस के सिंबल के साथ भी सम कर सकते हैं और सम फंक्शन के साथ भी। मतलब इसमें पहले से ही एक सम फंक्शन बना हुआ है जिसमें क्या उसका फंक्शन बताया हुआ है कि आप उसमें जो भी रेंज दोगे सेल्स की वो उसका सम कर देगा। वैसे ही एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फंक्शन आर डिफाइंड फॉर्मूलाज डेट परफॉर्म कैलकुलेशन बाई यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज कार आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन क्या होता है, एक डिफाइंड फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर जो कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, किसके ऊपर परफॉर्म करता है, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे, पैरामीटर पास करेंगे, इनपुट देंगे, तो उसके बेस पे क्या करेगा, फंक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन हैं, सबसे पहले देखो मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वैल्यूज बेस्ड ऑन व्हाट इज इन सेल्स, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ सेल कंटेंट, फेच वैल्यूज आफ्टर ऑन ऑपरेशन आफ्टर एन ऑपरेशन बेस्ड ऑन योर सर्च क्राइटेरिया। अब ये क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में वैसे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिखना है मैथमेटिकल फंक्शन क्या है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आ गया हमारे पास सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास सम फंक्शन होता है यूज टू ऐड ऑल द वैल्यूज विद इन अ सेल रेंज। जो भी आप ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है सम और उसके बाद सेल का एड्रेस कॉलन, सेल का एड्रेस मतलब जिस सेल के एड्रेस है, जिस सेल के एड्रेस तक आपको कैलकुलेशन करनी है वो आप लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल में है सम ब्रैकेट में C1 कॉलन, आप C4 लिख देते हो, ब्रैकेट बंद कर देते हो, तो C1 से C4 तक का सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सम कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सम इफ़, कि सम कब करें, जब सम करें कि कोई कंडीशन फुलफिल हो, तो हम क्या लिखेंगे सम इफ। सम तब करें जब वो रेंज कोई क्राइटेरिया को मैच करे, तो इसका सिंटेक्स है कोई क्राइटेरिया को मैच करे। सिंटेक्स क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया किसी चीज़ को लिखने का तरीका। ठीक है, तो पहले आप रेंज दे दोगे कि सैलरी का सम तब करे जब उसकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो, फॉर एग्जांपल ये हमारी कंडीशन है, तो वो क्या हो गया हमारे पास सम इफ़, अगर कोई कंडीशन हो। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन, सॉरी मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या होता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द सीरीज। ठीक है, कि मतलब जो उसमें बहुत कॉमनली वैल्यूज आ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यू आ रही है, वो उसको रिटर्न कर देगा। उसके बाद आपने इसमें से मेन मेन फंक्शन कर लेने हैं, काउंट इफ, मिनिमम मैक्सिमम। काउंट इफ मतलब काउंट कब करें, नंबर ऑफ सेल्स कब कैलकुलेट करें, जब उसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल। तो काउंट इफ़ में आप क्या कर सकते हो, काउंट में आप सीधा काउंट कर सकते हो, और काउंट इफ़ में कि काउंट कब करें। मिनिमम क्या होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर सेल्स में से, मान लो सैलरी वाला कॉलम है, सैलरी जा रही है A2 सेल से A7 सेल तक, तो उसमें आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है तो आप मिन फंक्शन यूज़ करोगे, मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करोगे। तो ये थे आपके कौन से फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन। अगला आता है लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन क्या यूज़ होता है, टू टेस्ट वेदर अ सिचुएशन इज़ ट्रू और फॉल्स, कि क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि ये जो इफ़ फंक्शन है कहाँ लगाया था हमने, रिजल्ट पे। अगर आपकी परसेंटेज 40 से नीचे है तो आप फेल हो, अगर 40 से नीचे नहीं है तो आप पास हो। तो इफ़ फंक्शन क्यों यूज़ होता है, यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए। तो आप इसमें क्या कंडीशन लग देते हो, इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन है ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कंडीशन लिखा हुआ इफ़ B2, अगर किसी सेल की वैल्यू 400 से ज़्यादा है तो वहाँ हाई लिखा आ जाए, नहीं तो वहाँ पर लो लिखा आ जाए। उसके बाद क्या आता है एंड। एंड क्या होता है, दो कंडीशन को मैच करते हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आंसर ट्रू होगा। ठीक है, एंड कंडीशन वन कंडीशन ट्रू, मतलब अगर मेरे पास
400 रुपये से ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन, मैं मार्केट जाने के लिए विलिंग हूँ, यस, ठीक है, तो ही मैं मार्केट जाऊँगी। तो फिर ये क्या हो गया, एंड कंडीशन। और कंडीशन में क्या होता है, दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो आपका आंसर क्या हैगा, ट्रू आएगा, वो हो गया लॉजिकल फंक्शन का। और इसके बाद है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल नाम है BHUMIKA, तो 7 लेटर्स का नंबर है तो 7 आ जाएगी लेंथ। मिड क्या होता है, मिड कि आपको एक टेक्स्ट में से कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक के करेक्टर लेने हैं, तो वो क्या, मिड फंक्शन, ठीक है। फाइंड, फाइंड क्या होता है, टू नो पोजिशन ऑफ सर्टेन करेक्टर इन द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर मैं जानना चाहती हूँ एच कौन से नंबर पर आता है, ठीक है, तो वो हो गया फाइंड फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या होता है, अगर मैं उसमें से कुछ अननेसेसरी स्पेस रिमूव करना चाहती हूँ, ठीक है, स्पेस रिमूव करना चाहती हूँ या कुछ और चीज़ रिमूव करना चाहती हूँ, तो ट्रिम फंक्शन को यूज़ करते हैं। अपर क्या होता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं।